देश का ऑटो सेक्टर डूबने की कगार पर पहुंच चुका है। महीने दर महीने ऑटो सेक्टर में बिक्री की रफ्तार गिरती जा रही है। इस सेक्टर में अब तक लाखों लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं। सैकड़ों कार शोरूम और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बंद हो चुकी हैं। इस सेक्टर से जुड़े 3,70,00,000 लोगों की नौकरी पर संकट आ चुका है। इस सेक्टर पर मंदी इस कदर हावी है कि कार कंपनियों की बिक्री 20 साल के निचले स्तर पर पहुंच चुकी है। अगस्त में ही कारों और टू व्हीलर्स की बिक्री में कोई इजाफा नहीं देखने को मिला। ऑटो सेक्टर में किस तरह की मंदी हावी है, इसका विश्लेषण इंडिया टुडे ग्रुप की डेटा इंटेलिजेंस यूनिट ने भी किया है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह से देश की टॉप 10 कार कंपनियों की बिक्री महीने दर महीने गिरती जा रही है। जुलाई 2018 के मुकाबले अगस्त 2018 में जहां महिंद्रा एंड महिंद्रा की बिक्री में 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी, मारुति सुजुकी की बिक्री में 4% और टाटा की बिक्री में 0.05% की बढ़ोतरी देखी गई थी, जबकि होंडा की बिक्री में 12.5% की गिरावट देखने को मिली थी। इस साल की शुरुआत यानी जनवरी में भी ऑटो कंपनियों की हालत ज्यादा खराब नहीं थी। दिसंबर 2018 के मुकाबले जनवरी 2019 में महिंद्रा एंड महिंद्रा की बिक्री में करीब 60% का इजाफा देखने को मिला था। होंडा की बिक्री में 39%, टाटा की बिक्री में 25%, मारुति की बिक्री में 16% और हुंडई की बिक्री में करीब 9% का उछाल देखने को मिला था। लेकिन जनवरी के बाद कार कंपनियों की बिक्री में महीने दर महीने गिरावट देखने को मिली और अगस्त के आखिर तक तो मानो जैसे देश के लोगों ने कार खरीदनी ही बंद कर दी हो। जुलाई 2019 के मुकाबले अगस्त 2019 में मारुति की बिक्री में करीब 3.5%, महिंद्रा एंड महिंद्रा की बिक्री में 15.7%, होंडा की बिक्री में 19%, टाटा की बिक्री में 30% की कमी देखने को मिली। सितंबर और अक्टूबर के महीने में गाड़ियों की बिक्री में बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही है। इसकी दो वजहें हैं, पहली तो फेस्टिव सीजन और दूसरे सरकार के उठाए गए कदमों का असर भी दिखना शुरू हो सकता है। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऑटो सेक्टर को मंदी से उबारने के लिए कई सारे प्लान तैयार किए थे, जैसे कि 31 मार्च 2020 तक खरीदे गए BS4 इंजन वाले वाहन वैध रहेंगे। मांग बढ़ाने के साथ साथ सरकारी विभाग नए वाहन खरीदेंगे। वाहन रजिस्ट्रेशन फीस बढ़ाने का फैसला जून 2020 तक टाल दिया गया है। इसके अलावा कैश की किल्लत को दूर करने के लिए भी सरकार ने बैंकों में पूंजी डालने का भी फैसला किया है, ताकि आसानी से लोगों को कर्ज मिल सके। हालांकि ऑटो कंपनियों का मानना है कि सरकार के उठाए गए कदमों का असर दिखने में अभी समय लगेगा। इसके अलावा बिक्री बढ़ाने के लिए ऑटो कंपनियों को नए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लॉन्च करने होंगे। आने वाले 2 से 3 महीने देश के ऑटो सेक्टर के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं। अगर अगले कुछ महीनों में कारों की बिक्री को रफ्तार नहीं मिली तो स्थिति और भी भयानक हो सकती है। लाखों लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो सकता है।